व्यापारियों की तमाम शिकायतों के बावजूद जीएसटी अब लागू होने ही वाला है। इस मौके पर एक बड़ा सर्वे सामने आया है जो बताता है कि एकदम छोटे लेवल पर जीएसटी को लेकर आज भी कम जानकारी है। ब्रिक वर्क्स के इस सर्वे के बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं सीएनबीसी आवाज की संवाददाता दीपाली नंदा से, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दीपाली, बताइए ये सर्वे किस बात की ओर इशारा कर रहा है, क्या निकल कर आ रहा है, क्या व्यापारियों के बीच में अभी भी जीएसटी को लेकर के किस तरह का भय है या कंफ्यूजन है जो ये सर्वे कह रहा है? देखिए, सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि व्यापारी देश भर में पूरी तरह से तैयार है जीएसटी को अपनाने के लिए, लेकिन जो ब्रिक्स वर्क का सर्वे आया है उसमें काफी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 30% व्यापारी ही ऐसे हैं जिन्हें ये जानकारी है कि जीएसटी के तहत अलग अलग दरें क्या हैं और कौन सी हैं। इसके अलावा 56% रिटेलर्स का ये मानना है कि जो जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर है या फिर इसका जो फॉर्मेट है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जिससे व्यापारियों को काफी दिक्कतें हो रही है इस पूरे नए ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए। साथ ही साथ सर्वे में यह भी पाया गया है कि जो मल्टीपल रेट्स और जो फिटमेंट रेट्स तय किए हैं उसे लागू करने में भी व्यापारियों का यह मानना है कि 1 जुलाई से काफी दिक्कतें आने लगेंगी। 50% व्यापारी ऐसे हैं जिनका यह कहना है कि जो FMCG सेक्टर है उसमें जीएसटी लागू होने के बाद बिक्री लगातार गिरेगी, क्योंकि अगर हम FMCG सेक्टर की बात करें तो 81% आइटम्स ऐसी हैं इस सेक्टर में जिसे 18% टैक्स रेट में रखा गया है, जो कि मौजूदा टैक्स रेट से ज्यादा है। और अब जो हालांकि 57% ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो ये मान रहे हैं कि जीएसटी जब लागू जाएगा तो इसका कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी दिखेगा। यहां पर एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि जो सर्वे किया गया है ये देश के बड़े शहरों में किया गया है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में किया गया है, वहां पर व्यापारी इस तरह की असमंजस की स्थिति में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो छोटे शहर हैं वहां पर किस तरह की स्थिति फिलहाल होगी। धन्यवाद दीपाली, बिल्कुल ठीक कहा। ये सर्वे जो है 8 बड़े शहरों में किया गया है, Tier 2 और Tier 3 सिटीज में कारोबारियों पर अभी क्या बीत रही है, लेकिन तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए, 1 जुलाई से लागू ही होगा जीएसटी।